अब मैं इसके बैड पार्ट की बात करूंगा। बैड पार्ट जो इसका मुझे लगा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर से आपके साथ एक बारी और एक नए प्रोडक्ट के साथ नए रिव्यू में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उन्हीं प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, और वो जो भी मैं आपको बताता हूं वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि मेरे टिप्स आपके काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोडक्ट के साथ। तो आज का प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से मंगाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके गुड पार्ट बताऊंगा, देन आफ्टर दैट मैं इसके बैड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो गुड पार्ट, तो सबसे पहला गुड पार्ट ये है कि जब मैंने इसको रिसीव किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि इनकी पैकिंग जो थी वो बहुत कमाल की थी। प्रोडक्ट क्या है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं अभी प्रोडक्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। ये नया प्रोडक्ट है, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया हूँ, तो आते के साथ ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे तो अमेज़ॉन का जो ब्रांड है, कई वेंडर्स वहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से उस ब्रांड को मेंटेन करते हैं। उनमें से ये एक वेंडर है जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से, बहुत अच्छी पैकिंग में ये भेजा मेरे को। आप देखिए, सबसे पहले कि इन्होंने अमेज़ॉन का कार्टन लगाया। कार्टन लगाने के बाद इन्होंने इसके, जब हम इसको खोलते थे इसके अंदर से एक और बॉक्स निकलता है, ठीक है। तो एक बॉक्स और निकला, और इसके बाद जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर थर्माकोल की पैकिंग दी इन्होंने। अब ये थर्माकोल की पैकिंग भी मैं साइड पर रख देता हूँ, और फिर इस प्रोडक्ट के नीचे भी थर्माकोल की पैकिंग थी, देखिए। फिर उसके बाद एक इसको प्लास्टिक पेपर में रैप किया हुआ था, ये देखिए। और जब मैंने ये प्रोडक्ट को देखा तो ना ही इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट थे, ना ही इसके ऊपर किसी तरीके का निशान था जिससे कि मैं ये देख सकूं कि ये यूज्ड प्रोडक्ट है। और ये जैसा भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, ये सेम वैसा ही प्रोडक्ट है। उल्टा मुझे उससे ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगा, बिकॉज मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता हूँ तो मुझे इसकी क्लैप बोर्ड की ज़रूरत रहती है साउंड के लिए। तो ये मेरा एक नीड थी मेरे काम से रिलेटेड। तो और आप इसको शो के लिए भी रख सकते हैं, अगर आप उस फील्ड से नहीं हैं तो आप इसको शो के लिए भी अपने घर में सजा के रख सकते हैं, और आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे अच्छी जो गुड पार्ट एक और है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये जो मैग्नेट है वो यहाँ से इस वाले मैग्नेट को पकड़ लेता है। तो मतलब ये जैसे ही हम इसको इसके साथ टच करते हैं तो ये मैग्नेट इसको पकड़ ले लेता है, और ये अगर हम टेढ़ा भी कर देंगे तो ये जो प्रोडक्ट है कहीं पर भी नीचे गिरता नहीं है इसका क्लैप बोल्ट। दूसरा, यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं जो कि इसकी ग्रिप के लिए हैं और इसको स्मूथ बनाते हैं। और ये स्क्रू भी जो है स्टेनलेस स्टील के प्योर स्क्रू है जिसमें जंग लगने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्ड वुड का नहीं है, ये एक्रेलिक बोर्ड है जिसमें आप आराम से मार्कर से लिख भी सकते हैं और उसको डस्टर से पील ऑफ भी कर सकते हैं, इसको रब कर सकते हैं, आई मीन टू से। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत लाइट वेटेड प्रोडक्ट है, और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है। जब हम लोग शॉर्ट फिल्म्स करते हैं तो इसमें हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी सीन शुरू करने से पहले इसको एक्शन के लिए काम आता है। जो इसका साउंड है वो साउंड में काम आता है ताकि साउंड हमें क्लियरिटी से मिले। और दूसरा, यहाँ पर डिस्क्राइब किया होता है सीन्स, इधर सीन शॉट डायरेक्टर्स नेम सब डिस्क्राइब किया होता है, तो हमें शॉट्स को चूज़ करने में बहुत आसानी होती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, आप इसको गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं और डेकोरेशन के तौर पर भी आप अपने घर में इसको रख सकते हैं। अब मैं इसके बैड पार्ट की बात करूँगा। बैड पार्ट जो इसका मुझे लगा वो कुछ भी नहीं लगा, मतलब बेसिकली इसका कोई बैड पार्ट है ही नहीं। और अगर आप इसको कंपेयर करें प्राइस वाइज, तो अगर मैं अमेज़ॉन में ही देखूं तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 1400, 1500, 5000, 6000, 10000 रुपए का भी क्लैप बोर्ड है। डिजिटल क्लैप बोर्ड तकरीबन 7000 रुपए का है, जिसमें डिजिटलाइज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था, उसमें सेल चेंज करने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये मैनुअल है जो पहले चला करते थे, ये उसी का ही एक पार्ट है। पहले एकदम प्योर वुड के होते थे, अभी एक्रेलिक और वुड मिक्स है। जो वुड के होते थे उसमें चॉक से लिखा जाता था क्योंकि उसमें मार्कर नहीं चलता था, इसमें मार्कर चल जाता है, इसलिए ये एक्रेलिक यूज़ किया गया है।
तो प्राइस की इसकी बात करूँ तो ये 799 रुपीज़ का है और होम डिलीवरी फ्री है और ये अमेज़ॉन प्राइम से आता है, वो लोग अमेज़ॉन प्राइम से भेजते हैं और इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। और 799 रुपये का ये प्रोडक्ट है, बेसिकली 800 रुपये का, तो प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, वेट वाइज, क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क एकदम। मेरी तरफ से इसको अगर मैं स्टार देना चाहूँगा तो दूंगा 1, 2, 3, 4 and 5 स्टार फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए प्रोडक्ट के साथ, कट। तो इसके अब मैं बैड बात की सॉरी और देखो इसमें वो वाला जूम करना, रेडी, साउंड रोलिंग स्टार्ट हो चुका है।